लोग दौलताबाद फोर्ट में आए हैं और अभी हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो चलो चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संभाजी नगर के एक और हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिसे हम दौलताबाद फोर्ट के नाम से जानते हैं। ये किला भारतीय इतिहास में एक बहुत खास जगह रहता है, जो एक ज़माने में दक्कन और दक्षिण भारत में अपनी जगह बनाने के लिए एक मील का पत्थर के तौर पर जाना जाता था। ये वो किला है जिसकी शान और सियासी महत्वता ने इसको उसका वर्तमान नाम दिया। ये है दौलताबाद किला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, जब भारत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की गई थी और जो औरंगाबाद से 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। और हम जानेंगे एक राजा के बारे में जो राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करना चाहता था और जिसके लिए उसने 1000 किलोमीटर की सड़क भी बनाई। और एक ऐसा फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे जो उस समय भारत का सबसे सुरक्षित किला के रूप में जाना जाता था, जिसे हम आज दौलताबाद फोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन जारी रखने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक यहाँ यादव राजवंश का शासन था। 1187 में यादव राजवंश के राजकुमार मिल्लम फाइव ने सबसे पहले किले का निर्माण कार्य की शुरुआत की। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा कर लिया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद किला कर दिया। इस बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय दौलताबाद भारत की राजधानी भी बनी थी, क्योंकि तुगलक ने भारत की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का डिसीजन लिया था। इसके लिए उसने 1000 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई, जो दिल्ली के लोगों को दौलताबाद में शिफ्ट करना था। और इस यात्रा में दिल्ली वासियों की यात्रा सफल नहीं हुई और 17 वर्षों के बाद तुगलक को दिल्ली वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दौलताबाद को द गेटवे ऑफ डक्कन के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए हर मुगल इस पर कब्जा करना चाहता था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उसने इस किले में कई तोपें लगवाई थी, जिसे हर डायरेक्शन में फायर किया जा सकता था। उनमें से सबसे बड़ा तोप किले के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया था, जिसका नाम किलाए सिकंदर रखा गया था। औरंगजेब ने अपना जीवन का ज़्यादा समय यहीं बिताया था, इसलिए वह चाहता था मरने के बाद उसे यहीं दफनाया जाए। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसे यहीं खुलदाबाद में दफनाया गया था। फाइनली 1499 में दौलताबाद अहमदनगर सल्तनत का हिस्सा बन गया, जिसका उपयोग यादव राजवंश द्वारा सेकेंडरी कैपिटल के रूप में किया जाता था। 1610 में दौलताबाद के पास एक नया शहर बसाया गया, जिसका नाम खड़की रखा गया, और बाद में यह शहर औरंगाबाद के नाम से जाना गया। 15वीं सदी तक यहाँ कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक अंबर, शाहजहाँ और औरंगजेब ने इस किले पर कई बार आक्रमण किए। आइए अब इस किले के स्ट्रक्चरल पार्ट को जानते हैं। यह भारत का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। उसके रीज़न थे, जैसे इसे अन्य निर्माणों की तरह नहीं बनाया गया था, यह पूरा का पूरा किला एक पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था, बिल्कुल एलोरा की गुफाओं की तरह। अगर आप ध्यान से देखें तो यह पूरा क्षेत्र हिल एरिया है। लेकिन किले के लिए इस हिल को चुनने का कारण यह था कि बगल में कोई दूसरी पहाड़ी नहीं थी और यह अन्य पहाड़ियों से थोड़ा अलग था, और ये इस पहाड़ी से हर तरफ आसानी से देख सकते थे। इस किले में कुल 8 दरवाजे थे। इस किले को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इस किले पर आक्रमण करना लगभग असंभव था, और अंदर से अगर कोई गद्दार न हो, सामने को छोड़कर बाकी तीन तरफ 90 डिग्री की सीधी चट्टान थी, मतलब किले में आने और बाहर जाने का रास्ता एक ही था, ताकि अगर दुश्मन आए तो उन्हें सामने से आना पड़े। यह पहाड़ी खाई से घिरी हुई थी, ताकि दुश्मन इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश न करें। किले के चारों ओर एक वाटर ट्रेंस था, जिसमें हमेशा पानी भरा हुआ था, और लोगों का कहना है कि वे इस खाई में मगरमच्छ और जहरीले सांप डालते थे। इन सब के बाद यह किला सामने की ओर एक मोटी दीवार से घिरा हुआ है, इसलिए उस समय यह किला लगभग अजेय था, मतलब इसको कभी जीता नहीं जा सकता था।
समय समय पर इस किले का कई बार पुनर्निर्माण कराया गया और यह हर बार पिछली बार से बेहतर हुआ। इस किले का मार्ग बीच में कई कोणों वाला था ताकि यह उनकी गति को धीमा कर दें जो भी दुश्मन अंदर आ रहे हैं। यह केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, यहाँ आपको भारत की पुरानी कलाएं और संस्कृति देखने को मिलेंगी। आज़ादी के बाद 1947 में यहाँ एक मंदिर की स्थापना की गई जिसे भारत माता मंदिर का नाम दिया गया। इस किले का एक और आकर्षण चांद मीनार है जिसे अलाउद्दीन बहमरी ने बनवाया था। 1445 में इसे कुतुब मीनार से प्रेरित होकर बनवाया गया था और यह 63 मीटर ऊंचा है, इसलिए इसको वॉच टावर के रूप में भी यूज़ किया जाता था। वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं, लेकिन दौलताबाद एक ऐसा किला है जिससे पता चलता है कि कैसे उस पुराने समय में एक किला बनाया गया था जो लगभग हार्ड टू विन था, मतलब उसको कभी जीता नहीं जा सकता था। इस किले का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।